अरे तुम जाकर ले आओ, फिर मौसी ले रखते क्या है? रखो फोन है। अरे चाचा किस पर झल्ला रहे हो, जरा हिसाब देखो। ₹346 346 लो, 500 पकड़ो। अरे ये तो नकली है बच्चा। क्या नकली है? हाँ ये देखो। अरे ये भी नकली है बच्चा। दोनों नकली हैं, क्या बात कर रहे हो चाचा? ऐसे हम पे दो रखे हैं, कहाँ मिला? अरे वो तुम छोड़ो, कहाँ मिला। अब हम समझ गए कि वो 1000 का था वो था नारंगी, और ये जो दोनों हैं वो हैं आम। नंबर भी नोट नहीं किए। अरे लंबी बाजी हो गई, काम का पता देना यार। भैया 1000 रुपए का छुट्टा है क्या? हाँ जी, ये दे दो भैया। ये एक, ये दो, ये थैंक यू। आ क्या फेंका बे? सही है। आ गए, आ जाओ आ जाओ, लो खा लो बेटा, आराम से खा लो। उनकी जरा याद करो कुर्बान। अरे कहाँ देखो, कहाँ घुसी जाके। शर्मा जी आपके यहाँ जो बाई काम करती है ना, उसको ये चाबी दे दीजिएगा, वो साफ सफाई कर देगी, बात हो गई उससे। अरे कौन सी चाबी, कौन सा ताला और कहाँ है दरवाजा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाकर दिखाओ किसी डॉक्टर को, ये शुरुआत है पागलपन की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये शुरुआत है पागलपन की। अरे जो चीज नहीं है आप उसके भ्रम में है कि वो है, ये सही लक्षण नहीं है ना। आप कहते हैं आपकी पत्नी आपको सुबह उठ के चाय पिलाती है, आपके कपड़े प्रेस करती है, ये सब करने से आपके बच्चों पर क्या असर पड़ता है, कभी सोचा आपने? है शर्मा जी, अब आपकी पत्नी दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके बच्चे इस दुनिया में हैं, उन्हें संभालिए, उनकी हंसी खुशी का ख्याल रखिए, ठीक है? उमाकांत से हमें मैसेज मिला कि आपने हमें बुलाया है, हम सोचने लगे जाने कौन सा काम आ पड़ा हंसा बहन को। बताइए हम क्या कर सकते हैं। देखो ललन जी, गांव में तुम्हारे भैया भाभी है जी, उनका एक छोटा बच्चा है। हाँ हाँ। 6 कमरे का पक्का मकान है और जमीन इतनी है कि पूरे साल सबको आराम से हो जाता है। हाँ लेकिन वो तो है, यही है, लेकिन आप बताती हूँ वो क्या है ना, मेरी बहन की एक लड़की है जी, बचपन में ही मेरी गोद में उसे डालकर ऊपर चली गई। मैंने उसे बड़ा किया है, मेरे भाई के पास है बड़ोड़ा में, पढ़ती है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैंने सोचा है उसकी शादी करके मैं ये जिम्मेवारी से छुट्टी ले लूं। अच्छा अच्छा। तुमको मिलने और जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुमसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं, इसीलिए मैंने उसको उधर से इधर बुला लिया। कोमल आजा बेटा, कोमल। अरे आजा बेटा आजा, आवी जा आवी जा आवी जा। बैठो 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 बेटा बैठो। इसका नाम मैंने रखा है जी, सबने बोला हंसा बहन जो नाम रखेगी वही नाम। अच्छा। मैंने रखा कोमल, कैसा है? नहीं बहुत अच्छा नाम है, इससे अच्छा हो भी क्या सकता है। अब बता शादी की बात किससे करने का, और शादी के बाद तू इसको गांव में लेके जाएगा कि इधर ही रखेगा है? बता बता। हंसा बहन आपने हमें इस लायक समझा, ये बड़े आदर की बात है हमारे लिए, हम बड़े आभारी हैं आपके, लेकिन ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बात ये है कि हम गांव में सरोजा नाम की लड़की से प्यार करते हैं और हम उसी से शादी करेंगे। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं? हंसा बहन आपने कभी पूछा नहीं तो हम कैसे बताते, आपने जो जो पूछा वो मैंने बताया। हाँ। अच्छा हम चलते हैं। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुन्नी चाचा प्रणाम। खुश रहो बेटा। सुन्नी आ गए। हाँ बेटा आ गए। वाह शर्मा जी वाह। अरे ललन आओ भाई आओ। वाह शर्मा जी क्या बात। बच्चों खिले चेहरे देख के बहुत सुख मिल रहा होगा आपको, ये समझ मुझे तुम्हारी वजह से आई है। अरे वजह वजह कुछ नहीं, ये चीकू पिस्ता है। हाँ तो बनाओ, पैसे शर्मा जी से लेना, खा ले। हाँ भाई खाओ खाओ।
शर्मा जी देख पराई चुपड़ी रोटी मत ललचाओ अपना जी। अरे पंडित जी प्रणाम, बड़े अच्छे मौके पर मिले। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। जरा देखिए तो हमारी जीवन नैया किस दिशा में मोड़ लेगी। क्या नाम है आपका? ललन प्रसाद प्रजापति। ग्रह के योग तो अच्छे बता रहे हैं आपके, भाग्य उत्तम है और नौकरी पेशे में तरक्की है। शुक्र भी उत्तम है, कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है आपका? पंडित जी वो तो चल रहा है। बिल्कुल उसी से विवाह होगा आपका जी। उसी कन्या से जी। और दो संतान के भी योग है हाँ जी। एक पुत्र और पुत्री जी। और कोई विशेष प्रश्न है आपका? अरे पंडित जी जीवन का बस यही एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपने दे दिया, अब तो आप दक्षिणा बताओ। 21 रुपए दे दीजिए। ये लीजिए पंडित जी, सोने जैसे। अच्छा पंडित जी, अब तो हम पत्नी के साथ ही आपके दर्शन करेंगे। खुश रहो खुश रहो। राजा रंक सब एक समान, देख की ये बुद्धि है दान। राजा रंक सब एक समान। हेलो हेलो अनुराग भैया, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? हम ललन बोल रहे हैं। अच्छा ललन भैया, हमें एक बात बताइए, सारा मुंबई शहर किसी न किसी रंग में रंगा हुआ है। कोई शादी के रंग में है, कोई क्रिकेट के रंग में है, कोई गरबे के रंग में रंगा है, आप किस रंग में रंगे हैं? अब भैया हम तो बस प्रेम रंग में डूबे हुए हैं। प्रेम रंग, वाह क्या बात है। ये रंग जब एक बार चढ़ता है ना तो फिर उतरता नहीं है। चलिए आपके इस रंग को और गाढ़ा करते हैं और सुनाते हैं ये गाना। सपने तो पहले भी देखे लेकिन इस सपने ने दिमाग घुमा दिया। एक बार आंख खुली तो रात भर सो नहीं सका। अच्छा, ऐसा कौन सा सपना देखा तुमने? हमने देखा कि सरोजा को कोई घोड़े पर बिठाए भागा चला जा रहा है और हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हम एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़े और घोड़ा हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। भतीजे, सपना तो कुछ ठीक संकेत नहीं दे रहा है। तुम ऐसा करो, सरोजा को फोन करो और उसकी हाल खबर लो। 60 रुपए। 60 रुपए? हाँ 60 रुपए, ये लो। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आंसा बेन। अरे रामू काका उधर देखो, वो टेबल पर क्या चाहिए? और इधर चाय बोला था कब से। आंसा बेन, जय श्री कृष्ण। अब हम यहाँ से फोन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बाबा। अरे बाबा वो चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। और वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, जी, है ना? जी, जी। जैसे कि तुम्हारी वो सरोजा। हाँ सरोजा तुम्हारे लिए बैठी है जी। वैसे ही मेरी कोमल के लिए कोई ललन बैठा होगा जी, जी, है ना? जी, जा, 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 फोन करा। अरे हमसा बहन, चादर लो चादर। नहीं चाहिए, जाओ। अरे मत खरीदना, देख तो लो, भागलपुर कश्मीर के कारीगरों का हुनर है इसमें। ले लो ले लो, गृहस्थी बसा रहे हो, काम आएगी। भाई मिया आइटम है, घर लेके जाओ, रूटी भाभी खुश हो जाए। अच्छा दिखाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये हाथ उलन का बना हुआ है, ठंडी में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। अच्छा। और ये जो है भागलपुर का खास जोड़ा है, इसका डिजाइन देखिए। ये बताओ। अरे ये आपके काम का नहीं, इसको छोड़ो, जो मैं दिखा रही हूँ वो देखो। काम का नहीं मतलब? मतलब ये कि ये 4000 रुपए का जोड़ा है। हाँ। ये आपकी हैसियत में नहीं है, जो मैं दिखा रही हूँ वो देखिए, ये 700 रुपए का जोड़ा है। अरे यार तुम तो ये बताओ कितने का दोगे? मोल भाव करने से कोई फायदा नहीं है, ये आपके बस में नहीं है। अरे खाम खां की बकवास कर रहे यार तुम। अरे छोड़िए, उधर जाकर बैठिए, सुबह सुबह आपसे बहस करने से मेरा ही नुकसान है। अरे यार अजीब है, मैं आदमी हूँ, खाम खां फालतू बात बकवास कर रहे हो तुम। क्या फालतू बात कर रही हूँ? उठाओ, 4000 का धंधा, 40000 का धंधा 4000 में दिया,
ये जो मैं सड़क पर फेरी मार रहा हूँ, इस बात से मेरी हैसियत को लेकर किसी गलत फहमी मत रही हो। मुगले खानदान का हो, निकालो 4,000 दिए। अरे यार तुम ना, अरे लल्लन पे छोड़ो ना यार, अभी खरीदता हूँ, अभी अरे ना, अरे एक मिनट, दोनों चीज की खरीदारी भी मत करना, वरना हो सकता है आज कोई तुम्हें ठग ले। चलो चलो चलो, हमें खरीदना ही नहीं भैया, हमारी कोई हैसियत ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? चलो चलो, क्या हुआ मियां, क्या हुआ? अरे आप नवाबी खानदान के बहुत बड़ी पोते हैं, तो नहीं लेना है तुम। अरे चादर क्या लेंगे आप? हाँ चलो चलो चलो, आप सही हो, आप सही हो, अरे सब बात में सही हो, पर जाइए जाइए। कैसे आ जाते हैं यार? अच्छा भगाया इसको, कल बहराम बाग में किसी को ऐसी ही चादर बेच गया था। चादर पानी में डालो, बाहर निकालो, गमछा निकलता है।